साथियों, हम सभी अक्सर सुनते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन जरूरी होता है। ये बात सरकारों पर भी लागू होती है। अगर सरकारों का मन स्वस्थ नहीं होता, नियत साफ नहीं होती, उनके मन में जनता जनार्दन के लिए संवेदना नहीं होती, तो राज्य का स्वास्थ्य ढांचा भी कमजोर हो जाता है। गुजरात के लोगों ने 20-22 साल पहले तक ये पीड़ा बहुत झेली है, और पीड़ा से मुक्ति के लिए हमारे डॉक्टर साथी, आमतौर पर आप किसी भी डॉक्टर को मिलने जाएंगे, ज्यादातर डॉक्टर 3 सलाह तो जरूर देंगे, 3 अलग अलग ऑल्टरनेट बताएंगे। पहले कहते हैं भाई दवा से ठीक हो जाएगा, फिर उनको लगता है ये दवा वाला तो स्टेज चला गया है, तो उनको मजबूरन कहना पड़ता है भाई सर्जरी के बिना कोई चारा नहीं है। दवा हो या सर्जरी, लेकिन उसके साथ वो घर वालों को समझाते हैं कि मैं तो मेरा काम कर लूंगा, लेकिन देखभाल की जिम्मेवारी अच्छी है, आप पेशेंट को अच्छी तरह देखभाल करना, उसके लिए भी वो एडवाइज करते हैं। साथियों, मैं इसी बात को अलग तरीके सोचूं तो गुजरात की चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी सरकार ने इलाज के इन 3 तरीकों का इस्तेमाल किया। जो आप पेशेंट के लिए कहते हैं ना, मैं राज्य व्यवस्था के लिए ऐसा ही करता था जो डॉक्टर सलाह देते हैं। सर्जरी यानी पुरानी सरकारी व्यवस्था में हिम्मत के साथ पूरी ताकत से बदलाव, निष्क्रियता, लचरपंथी और भ्रष्टाचार पर कैची, ये मेरी सर्जरी रही है। दूसरा, दवाई यानी नई व्यवस्था को खड़ा करने के लिए नित्य नूतन प्रयास, नई व्यवस्थाएं भी विकसित करना, ह्यूमन रिसोर्स विकसित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, रिसर्च करना, इनोवेशन करना, नए अस्पताल बनाना, अनेक ऐसे काम। और तीसरी बात, देखभाल या केयर, ये गुजरात के हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने केयर यानी संवेदनशीलता के साथ काम किया, हम लोगों के बीच गए, उनकी तकलीफ को साझा किया, और इतना ही नहीं, मैं आज बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, गुजरात इस देश में पहला राज्य था वो सिर्फ इंसान की नहीं पशुओं के लिए भी हेल्थ कैंप लगाते थे। और जब मैं दुनिया को कहता था कि मेरे यहां पशु की डेंटल ट्रीटमेंट होती है, पशु की आई ट्रीटमेंट होती है, तो बाहर के लोगों को अजूबा लगता था। भाइयों बहनों, हमने जो प्रयास किए वो लोगों को साथ जोड़कर जन भागीदारी के लिए, और जब कोरोना का संकट था तो मैं G20 समिट में बोल रहा था, तब मैंने बड़े आग्रह से कहा था, दुनिया की इतनी भयानक स्थिति को देखते हुए मैंने कहा था, जब तक हम वन अर्थ वन हेल्थ इस मिशन को लेकर के काम नहीं करेंगे, तो गरीब हो पीड़ित है उसकी कोई मदद नहीं करेगा। और दुनिया में हमने देखा है, कुछ देश ऐसे हैं जहां 4-4, 5-5 वैक्सीन के डोज हो गए कोरोना में, और दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जहां गरीब को एक भी वैक्सीन नसीब नहीं हुआ। तब मुझे दर्द होता था दोस्तों, तब भारत को वो ताकत लेकर के निकले, हमने दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास किया ताकि दुनिया में कोई मरना नहीं चाहिए भाइयों। और हम सबने देखा है कि जब व्यवस्था स्वस्थ होने लगी तो गुजरात का स्वास्थ्य क्षेत्र भी स्वस्थ हो गया, लोग देश में गुजरात की मिसाल देने लगे।